अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमना एंड वेलकम टू माय चैनल। हम बनाएंगे कीमा शिमला मिर्च, जिसके लिए आपको हाफ केजी कीमा चाहिए। शिमला मिर्च एक कप कटी हुई चाहिए, कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन की पेस्ट चाहिए। ऑयल हाफ कप, नमक एक चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, साबुत गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और साबुत ज़ीरा। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और ऑयल में हम प्याज शामिल करके उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसे 3 मिनट में प्याज अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, अपना कलर चेंज करेगा। जैसे ही अपना कलर चेंज करेगा, हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और ज़ीरे को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, उसकी खुशबू आएगी, हम इसमें कीमा शामिल करके कीमे को अच्छे से भून लेंगे कि कीमा अपना कलर चेंज कर ले। 3 से 4 मिनट हम कीमा को भूनेंगे। जब कीमा अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें नमक शामिल करेंगे और हल्दी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि नमक और हल्दी का कलर इसमें अच्छे से आ जाए। नमक और हल्दी को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे और साथ ही हम धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला कच्चा ना रहे। और जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा, 5 मिनट बाद इसका कलर कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हम इसमें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च शामिल कर देंगे और इतना भूनेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर दे। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे और फिर हम इसको दम पे रख देंगे कि टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर दें। टमाटर अब सॉफ्ट हो गया और टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया। अब हम इसको भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे कि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए और हमारा कीमा अच्छे से भुन जाए। तवे के ऊपर हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसके बाद हम इस पर कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे, सौटे कर लेंगे। नरम नहीं करना, सिर्फ हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। कीमा अच्छे से भुन गया, भुने हुए कीमे के अंदर हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से हम 5 से 6 मिनट भूनेंगे और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे कि शिमला मिर्च जो है वो गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। 5 से 8 मिनट में हमारी शिमला मिर्च रेडी हो जाएगी। 10 मिनट बाद शिमला मिर्च बिल्कुल गल गई है और हमारा सालन रेडी है, बिल्कुल रेडी है। आप इसको पराठे के साथ और रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।